नहीं शूट करना था बहुत ही खूबसूरत व्यू है और झरना भी काफी खूबसूरत खड़े हुई होते भैंस पर भैंस बैठा हुआ ऐसा लगा भैया बोध गया शुरू कर हम लोग लोकल भैंस को ऐसे ही पहना के सीन में कलर हलवो नदी में घुमा देंगे एक बार आधो में जाकर कीचड़ में जाके बैठ जाएगा विदेशी लोग को लेके देखिए गंजा याक है इसको बाल उड़ गया बाल झड़ेंगे बाल झड़ेंगे ये है यहाँ का भैंस इस एरिया में रहने का इसका खर लंबा लंबा हो गया और याक बना हो गया याक पर हमें नहीं बैठना और ये लेक है सांगड़ू लेक की बारिश हो रही है यहाँ तो धूप रहती तो काफ़ी अच्छा दिखाई देता इधर आपको अगर याक पर बैठना है तो बिठा के लोग घुमाएंगे सिंह में इन लोग का कलरफुल ये ऊन का बना हुआ है ये डाल दिए हैं तो सुंदर काफ़ी लग रहे और इधर का ट्रेडिशनल ड्रेस भी है यहाँ जिसको पहना कर आपको याक पर बैठाया जाएगा पानी अच्छा देखते हैं इस तरफ क्या है यहाँ पर हिंदू टेंपल है एक इसमें सभी देवी देवताओं के मूर्तियाँ हैं देख सकते हैं अंदर और इस तरफ है सुनहरा नज़ारा यहाँ सामने सीढ़ी बना हुआ इस तरफ चलते हैं इस साल लगता है कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो तोड़ा हुआ है सारा चीज चलो थोड़ा नीचे देखते हैं लेक का पानी कैसा है और
सिक्के डाले हुए हैं, 10 के 5 के 10 के 10 के, सब तरफ दूर दूर तक सिक्का नजर आ रहा है, सब कैमरा में नहीं है। शायद यहाँ का ऐसा प्रथा रहता हो सिक्के चढ़ाने का। पानी काफ़ी ठंडा है और हल्की बारिश हो रही है, तो यह काफ़ी अच्छा है। धूप रहती तो काफ़ी शानदार व्यू देखने को मिलता। इसका फोटो कुछ ले लेता हूँ। हाय गाइस, हाय गाइस, ये तो हाय गाइस होता है, यहाँ तो हाय यॉग्स, हाय भैंस। बेचारा पत्थर में से किसी तरह से गया। चलते हैं गाड़ी और यहाँ से वापस। ऊपर दूर दूर पहाड़ है, बारिश हो रही है तो ज़्यादा सफर फिर मतलब बिठाने का 100 रुपीज़ 100 रुपीज़। और ड्रेस के साथ? ड्रेस के साथ हाँ, ड्रेस का वो अलग के साथ। अच्छा, ड्रेस वाले अलग है। अच्छा, एक्चुअली वीडियो हो जाएगा यूट्यूब पे, तो बता देते हैं व्यूअर को, जो भी आएंगे भाई से मिल लीजिएगा। और इनका ये दोनों याद है ना, आगे बैठ लीजिए। ठीक है, चलते हैं यहाँ से। तो